नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए है जो कम रकबे वाली ज़मीनों पर खेती करते हैं और उन्हें अपने अनाज का भंडारण करना होता है। उसके लिए ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड 15% फ्यूमिगेंट है, ये दवाई है, टैबलेट के रूप में रहती है। इसे आप अपने गेहूं की बोरियों में डालकर अपने अनाज को कीड़े लगने से और जो फ्यूमिगेंट्स रहते हैं उससे आप बचा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का है ये डब्बा। इस एक डब्बे में 4 टैबलेट्स हैं जो कि 12-12 ग्राम के हैं और इसकी प्राइस है 75 रुपये। मार्जिनल रेट अलग अलग मेडिकल शॉप में कम हो सकती हैं। इसे आप कृषि केंद्र से भी खरीद सकते हैं। और एक दूसरी ये पाउडर्ड फॉर्म वाली है जिसे सल्फोस के नाम से जाना था, ये भी एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, ये इसका 56% है। ये पाउडर फॉर्म में है, इसे आप 15 रुपये का ये पैकेट है, इसे एक पैकेट को आप एक बोरी में डाल सकते हैं। तो हमने ये दो प्रकार की दवाई खरीदी है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, और इसे हम गेहूं का जो हमने स्टोर करके रखा है उसमें एक एक बोरी में टैबलेट को टुकड़े के हिसाब से बांट के डालेंगे। वो आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे डालेंगे। ये दवाई दोस्तों आपके अनाज को कीड़े लगने से बचा सकती है और उसके बाद आप फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं उसको बाद में। ये देखिए, हमने सूती का पुराना कपड़ा ले लिया है जिसे हमने टुकड़े टुकड़े में कैंची से काट दिया है। इस तरह से हमारे जितनी बोरियां हैं उतनी हमको कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी छोटे छोटे। ये देखिए, इधर ये गेहूं का स्टोरेज है हमारा, जिसमें 8 से 10 क्विंटल गेहूं है हमारे पास, जिसमें अभी ठंड के मॉइस्चर की वजह से, बरसात के मॉइस्चर की वजह से लाल कीड़े उत्पन्न होने चालू हो गए हैं। तो उसके लिए हम बोरियों के ऊपर के रस्सी को जो बांधा हुआ होता है उसे खोलेंगे, उसके बाद इस तरह से रख देंगे अपने स्टोरेज वाले स्पेस पे। इस दवाई को यूज़ करने के बाद दोस्तों आपके अनाज में, गेहूं में कोई भी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा और उसके आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ गेहूं को स्टोरेज करके रखा जाता है, उसके बाद फिर उसे जब आटा बनाना होता है तो उसे एक बार धोकर छत में धूप के उसमें सुखाया जाता है, उसके बाद फिर उसे पिसाई के लिए भेजा जाता है। तो आपके एरिया में कैसे इसका प्रोसेस होता है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोई आइडिया है तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसके स्टोरेज के लिए हमने दोस्तों ये लकड़ी की बनाई हुई है स्पेसेस, जिसके ऊपर हम रखेंगे, पूरे नीचे ग्राउंड पर हम नहीं रखते हैं अपने अनाज को। अब इन सब के लिए दोस्तों, हर बोरी में आपको एक एक पैकेट डालना है, तो उसके लिए हम यार ये छोटी सी पाइप है जिसे हम उस दवाई को अंदर तक भेज पाने के लिए इसे यूज़ करेंगे, ताकि उसको प्रेशर से उसे अंदर भेज दिया जा सके और वो पूरे अनाजों के बीच में आकर उस दवाई का जगह बन जाए। ये दवाई दोस्तों हमने 4-5 डब्बे लाए थे और इसकी एक्सपायरी डेट को आप ध्यान में रखकर खरीदें, ताकि इसे आप जिस समय यूज़ करना चाहते हैं उसी समय का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लेके आएँ, ताकि उसकी एक्सपायरी डेट बहुत दिनों तक हो। ये देखिए दोस्तों, अब इसके जो एक और जो पैकेट वाले हमने बताया था सल्फोस, उसको हम फाड़ के आपको दिखाते हैं कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा पाउच है, इसे आपको कपड़े में बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। दो प्रकार के अलग अलग आते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन टैबलेट्स की बात करते हैं। टैबलेट्स, ये देखिए इतनी बड़ी टैबलेट्स है ये, एक टैबलेट 12 ग्राम का, इसे हम 2 या 3 टुकड़ों में बांट करके उसे सूती के कपड़े में बांध कर उसे हम गेहूं के बोरी में बीच में डाल सकते हैं। और अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, ये वाले पाउच ऐसे का, तो आप उसे एक पाउच को एक बोरी में डाल सकते हैं बिना किसी कपड़े में बांधे हुए।
इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं डू नॉट टीयर करके, इसको आपको फाड़ना नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि ये पॉइजन है। ये देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, डू नॉट टीयर एंड डिस्पोजल ब्यूरी और स्टिर यूज्ड पैकेट इन बकेट। इसे आपको फेंकना है तो डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं फेंकना है, ऐसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इसके कुछ यूजेस भी हैं। टैबलेट को दोस्तों हम तोड़ देते हैं पहले। और अगर आप चावल की बात करें दोस्तों, तो चावल के लिए आप बोरिक एसिड का पाउडर आता है, बोरिक एसिड IP, ये भी आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। ये देखिए इसका कॉस्ट इसमें 150 रुपये लिखा हुआ है, पर ये आपको कम मार्जिन में मिल जाता है। इसे आप चावल में डाल सकते हैं, ये चावल के लिए बहुत सूटेबल रहता है, चावल में कीड़े से बचाने के लिए इसे आप डाल सकते हैं। और जैसे कि हम चावल को भी धोकर ही यूज़ करते हैं, तो उसका भी जो बोरिक एसिड है वो धुल कर निकल जाता है। ये देखिए हमने कपड़ों से डालकर इसे एक एक बनाया हुआ है पुड़िया की तरह। अब इसे हम गेहूं के बोरी के बीच बीच में डाल देंगे एक एक ठो। ये देखिए इस पाइप के सहारे से हमने इसे अंदर तक ढकेल दिया है। अब आपके पास जितनी स्टोरेज है उतनी बोरियां हैं, उसमें आप एक एक बोरी में एक एक पैकेट डाल सकते हैं। और इसे बारी बारी से ऐसे स्टोरेज करके रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।